इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ अली मस्जिद के ज़िम्मेदार जनाब इजाज हकीम साहब। हकीम साहब, आपने जो ये राशन किट गरीबों को तकसीम किया जो लॉकडाउन के मद्देनज़र कहीं सारे मसाइल दरपेश आए, तो कितने लोगों को दिया और कितने लोगों तक पहुँचाया आपने? हमने जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त से लेकर आज तक करीबन करीबन एक 700 से 800 किट हमारे बांटे जा चुके हैं, और इसके अंदर बांटने में हमारे साथियों की भी मदद रही हमें, और हमारे अमन नगर के एरिया से भी मदद रही। जैसे लॉकडाउन हुआ हमने सोचा कि अब लोगों को खाने पीने की बहुत तकलीफ होगी, तो हमने सोचा कि कुछ हम हमारी तरफ से करें। और मैं एक खुद ये सोचा कि मैं खुद इसमें कुछ ना करूं, कि आने वाले दौर में मुझ में घमंड ना पैदा हुए कि मैंने मेरे हाथ से किया है बोल के। तो मैंने हर घर घर जाकर, मैं खुद गया घर घर, हम घर घर गए, हर घर से जितना मिलता है उतना पैसा कलेक्शन किए। कोई 100 रुपये दिया है, कोई 50 रुपये दिया है, कोई 5,000 दिया है, कोई 10,000 दिया है। ये लोगों का भी इसके अंदर योगदान है और हमारी भी इसके अंदर कुछ लगे हुए हैं। तो इन सब का मिलाकर हमने ये ताउन जोड़कर ये राशन तैयार किया। अब जैसे हम राशन बांट रहे हैं वैसे और दूसरे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं हम तक। अब हमारा कल हम सोचे थे कि अब हमारा खत्म हो गया अमन नगर, अब हमें बांटना नहीं है। कल रात में मेरे पास हमारे एक साथी आए कि बताए कि उज्जवल नगर भाग्यवाड़ी के अंदर बहुत तकलीफ है, वहां पर 70 पैकेज की जरूरत है, हम लोग 25 पैकेज कर रहे हैं और आपकी तरफ से एक थोड़े 45 पैकेज बनाई है। तो हमने उसे लबैक कहा, इंशाल्लाह आज हमारा माल आ रहा है, 45 पैकेज हम भाग्योड़ी को भी पहुंचाएंगे, और एक जगह से 12 से 15 पैकेज की रिक्वायरमेंट आई है, उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर अल्लाह की मदद हमें बहुत हो रही है, गरीब नवाज फाउंडेशन से भी शुरू में मदद मिली, इसका मैं अजीम भाई से भी शुक्र अदा करता हूँ, और मदीना फाउंडेशन से भी हमें मदद मिली। अल्लाह इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनके रोजी रिजक में बरकत अता फरमाए, और हमें ऐसे ही बांटने की और हिम्मत तौफीक अता फरमाए। ये हमारा अमन नगर इलाका जो है, यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो डेली रापते हैं, डेली मेहनत करते हैं और दूसरे दिन का खाना इंतजाम करते हैं। उसमें हमारे लमानी हैं, गौंडी हैं, सेंटरिंग वाले, मेस्त्री है, और भाजी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, और इसके अंदर सब जात के हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, लमानी जात के हैं, सिख वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे जात हैं। तो हमने बांटते समय कुछ इसमें जात पात का भेदभाव नहीं किया है, बस हमने ये देखा है कि हम इंसान हैं और ये सामने वाले भी इंसान हैं, और हमने इंसान बनकर इंसान की मदद की है, किसी जात की मदद नहीं की है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हमारे इसमें ऐसा कुछ जात पात का नहीं है, और जो जात पात का भेदभाव करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 ये मत कीजिए, क्योंकि हमारा देश सबका देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे देश में एकजुट होकर रहने की, हमें अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए और मिलजुल कर रहने की हमें शहादत अता फरमाए। अल्लाह से बस यही दुआ है हमारी।